ब्रह्मास्त्र मूवी के ट्रेलर में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसके आसपास आप लाल कलर की एनर्जी को फील कर सकते हो और उसके हाथ में भोलेनाथ का त्रिशूल है। तो देखो, इसी कैरेक्टर से रिलेटेड इंटरनेट पर आपको दो तरीके की फैन थ्योरीज देखने को मिल जाएंगी। पहली फैन थ्योरी के हिसाब से वो रणवीर कपूर हैं, जो कि उनकी पास्ट का लुक हो सकता है या फिर बहुत ही ज्यादा फ्यूचर का, यानी कि जब वो अपनी पावर्स को जान चुके होंगे। और दूसरी फैन थ्योरी के हिसाब से वो शाहरुख खान है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत डाउट वाली बात ये आ जाती है कि ब्रह्मास्त्र मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद हम ये बात तो समझ ही चुके हैं कि ब्लू कलर इसमें अच्छाई का प्रतीक है और लाल कलर इसमें बुराई का। और अगर लाल कलर सचमुच बुराई का ही प्रतीक है तो फिर वो कैरेक्टर रणवीर कपूर नहीं हो सकता, और अगर वो कैरेक्टर शाहरुख खान है तो फिर वो पक्का नेगेटिव रोल में ही होंगे। और देखो, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो कैरेक्टर शिवजी से तो कनेक्शन रखता ही है, तो वो कहीं महाकाल या फिर रुद्र तो नहीं है।